नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में अनलॉक के बाद शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू अभी जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानें खोलने की अनुमति मिली हुई है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी की घोषणा की गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस अपने अपने क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू और प्रातःकालीन बाजार खुलने की प्रक्रिया में लागू किए जाने वाले कोरोना गाइडलाइन के नियमों का सख्ती के साथ पालन कराए। इसी क्रम में जनपद झांसी के थाना बबीना अंतर्गत भेल चौकी के सिमरावारी आरा मशीन और खैलार क्षेत्र में भेल चौकी प्रभारी सोमेश कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल ब्रजनंदन यादव, उदय नारायण, छत्रपाल सिंह, रविंद्र सिंह, अरविंद सिंह, राहुल यादव, पवन कुमार एवं भगवान सिंह द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में पैदल मार्च करके लोगों को कोरोना गाइडलाइन की हिदायत देते हुए समझाइश दी जा रही है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। दुकानदार शाम 7 बजे से अपनी दुकानें बंद कर देते हैं तथा सुबह 7 बजे ही अपनी दुकानें खोलते हैं, और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच जब बाज़ार खुलता है तो बाज़ार में बाकायदा ग्राहक फेस मास्क लगाए हुए नज़र आते हैं और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। दुकानदारों द्वारा दुकानों से केवल उन्हीं ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है जो फेस मास्क लगा कर आ रहे हैं। जहां एक तरफ व्यापारी और ग्राहक सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए भेल आरा मशीन से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।